ये दोस्तों कुंजे वगैरह हमारे फिर रही हैं, उम्मीद है कि इस साल ही अंडा वगैरह हमें देंगे। पिछले 2 साल से हमारे पास हैं ये, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई अंडा ना कोई बच्चा कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इस साल की हमें उम्मीद है कि शायद ये हमें कोई मेरे ख्याल में कोई बच्चा वगैरह सॉरी अंडा वगैरह देगी। अगर अंडे वगैरह देते तो फिर इसके बच्चे वगैरह निकलवाएंगे। पिछले साल हमें इसने बहुत अंडे दिए हैं, ये जो पीरू फिर है ना, पीरू के हमें हमारे पास माशाल्लाह बहुत बच्चे निकले और बहुत बच्चे हमने यानी कि दोस्तों को गिफ्ट भी किए हैं। इस साल भी इंशाल्लाह उम्मीद है, लेकिन इस साल जो हमारे पास मादा है ना, मादा भी छोटी है। इसकी जो असल मादा है वो तो मर गई थी, अब ये छोटी मादा ये ब्लैक वाली इसके साथ लगाई हुई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये इस साल भी हमें अच्छे खासे बच्चे वगैरह देगी। बाकी बच्चे ये भी देती ये हाँ ये वाली मादा है जो इसके साथ में ना पीछे वाली ये जो सामने ठहरी हुई ये मादा भी हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यानी कि बच्चे वगैरह देती है, अंडे वगैरह देती है और बच्चे भी निकलते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास बेंटम की मादा है, नर इसका है नहीं, नर हमें इसके साथ असील लगाना पड़ेगा, फुल साइज़ का असील नर लगाना पड़ेगा ताकि ये अंडे बच्चे वगैरह दें। बाकी सिल्की वगैरह का नर है, ये भी नर है, ये इसकी भी उम्मीद है इस साल यानी कि बच्चे वगैरह अंडे वगैरह दे। ये दोस्तों हमारा मिनी ज़ू है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे परिंदे वगैरह मर चुके हैं, तो इस साल हमने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं ताकि अगले साल गर्मी के अंदर यहाँ का टम्परेचर अच्छा रहे। तो मौसम आज माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है, बेहतरीन मौसम, हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं, ये देखे जी देख रहे हैं हवाएँ वगैरह चल रही हैं। और फूल जो जैसे पहले कड़ाकेदार धूप वगैरह निकली हुई थी ना, वो धूप वगैरह नहीं निकली हुई। तो इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि सर्दी वगैरह अभी तक आई नहीं है, मौसम अब जाके कुछ यानी कि बेहतर हुआ, अब तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह थी। ये हमारा दोस्तों तोता है जो हमने पकड़ा था, शिकार किया था, ये भी ना मादा है नहीं सॉरी ये नर है, तो मादा इसके साथ के हमें लेके आनी पड़ेगी क्योंकि नर इसलिए कि ये बोलता रहता है अक्सर, टाँ टाँ लगाई रखता है। और यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम यहाँ पे टोटल नर रह चुके हैं, ये भी नर बच चुके हैं और ऊपर ये तोते वगैरह भी नर बच चुके हैं। इसके अंदर दोबारा एक मरतबारा ग्रोगन वगैरह करा के इसके अंदर केज वगैरह लगाते हैं ताकि यहाँ पर जितने भी हमारे तोते वगैरह माहौल में एडजस्ट हो सकें, अंडे बच्चे दे सकें। यहाँ पर एक तो यहाँ परिंदे बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए यहाँ पे खा रहे हैं, सुबह सुबह इनके लिए वेस्ट लेके आता हूँ मैं घर से, किचन वेस्ट, कभी मोल साहब ले आता है कभी मैं ले आता हूँ, तो ये डाला हुआ है ये खा रहे हैं। सारे के सारे परिंदे वगैरह यहाँ पे हमारे ठहरे हुए हैं, मुर्गा भी सॉरी मग यहाँ पे भी आया हुआ था, तो अभी वो अपने बच्चे को लेके अंदर जा चुकी है इस साइड पे। ये देखे जी ये ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं, नर पहले अलग रहता था लेकिन अब जब से मादा ने बच्चा वगैरह दिया था इसके साथ ही रहते हैं। बच्चे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही निकला है यहाँ पे। ये दोस्तों हमारे फाख्ते वगैरह हैं, फाख्ते जो से वो बैठी हुई है ना वो बूढ़ी हो चुकी है, वो अक्सर कोने में ही बैठी रहती है, यहाँ पर बहुत कम इधर उधर घूमती है, बस खाती पीती है फिर वहीं पर कोने में चली जाती है। एक मादा टोकरी में बैठी हुई है, शायद इसने कोई अंडा वगैरह देना हो, यहाँ पे काफ़ी देर अक्सर हम देखते हैं तो यहीं बैठे रहते हैं, लेकिन अंडा वगैरह इसने अभी तक नहीं दिया। उम्मीद है कि शायद ये अंडा वगैरह दे दे यहाँ पे, अगर अंडा वगैरह दे देती है तो अच्छा होगा। इस टाइम हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 थी, एक उड़ गई थी, दो उड़ तो यहाँ से दो गई थी लेकिन एक दोबारा हमारे पास वापसी आ गए थे, हम साई उन्हें पकड़ के दे दी थी, तो एक वापसी नहीं आई। सारी डग्स वगैरह खा पी के ठीक है वहाँ से अच्छी तरह खा पी के अब ये यहाँ नहाने के लिए आई हुई हैं, पहले ये नहाती रही है यहाँ पे, ये नहा के चली गई है, तो अब ये यानी कि ये आई हुई हैं सफ़ेद वाली, ये यहाँ पे नहा रही हैं। पानी यहाँ डेली सूख जाता है तो मज़ीद इसमें यानी कि पानी वगैरह डालते रहते हैं, यहाँ से पाइप लगा दिया इसको भर देते हैं, तो ये अक्सर यानी कि भरा हुआ ही रहते हैं यहाँ पे आज़ादी के साथ। पहले हमारा वो केज वो था स्विमिंग पूल वो बनाया हुआ था इनके लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, वो पक्की जगह थी ये कच्ची जगह, तो कच्ची जगह को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों अच्छा खासा इनका झुंड हो चुका है, ये देखें ये भी अच्छी खासी झुंड हो चुकी है, वो भी अच्छी खासी, तो मेरे इरादा इसको ना नीचे से ना काट देते हैं, अगर हम नीचे से इसको काट देंगे इसकी ताकत वगैरह सिर्फ और सिर्फ ऊपर लगेगी, जल्दी यानी कि जल्दी ऊपर जाएगी, तो अगर ये नीचे यानी कि
फिर निचली साइड पे जाल सब बना रही है, लेकिन निचली साइड पे जाल नहीं बनाना चाह रहे। हमारा इरादा ये है कि ये जितना ऊपर जाए उतने इसका फ़ायदा है हमें, क्योंकि छांव वगैरह अच्छी होगी। तो आगे सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है, सर्दियों में तो ग्रोथ इनकी बहुत कम होती है, गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब ये इधर साइड पर गुलाब वगैरह लगाए हुए हैं, गुलाब के भी यानी कि देखें अच्छा खासा मुरझाया हुआ है, लेकिन सर सब सो ठहरा हुआ है। तो अब इसकी मौसम वगैरह नहीं आई ना, ये आगे जैसे मौसम आएगी ये भी यानी कि अच्छे खासा फूल वगैरह देगा यहाँ पे। तो बाकी सारे परिंदे माशाल्लाह सही हैं। ये जो असील जोड़ा हमने रखा हुआ है, अक्सर यानी कि अकेली ही बैठी रहती है यहाँ पर, बाकी सारे उस साइड पर घूमते फिरते हैं।